नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन बना लिए। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने इस मैच के मद्देनजर ऋषभ पंत को लेकर अपनी राय रखी। आकाश चोपड़ा के मुताबिक अगर टीम इंडिया को लॉर्ड्स टेस्ट में डोमिनेट करना है तो फिर ऋषभ पंत को धुआंधार पारी खेलनी है। आपको बता दें, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 276 रन बना लिए हैं। इस वक्त केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी करने आना। अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा ने कहा कि ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैच का रुख पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर भारतीय टीम को इस मैच में अपनी मजबूत पकड़ बनानी है तो फिर ऋषभ पंत को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। दूसरी नई गेंद थोड़ी पुरानी हो चुकी है और पिच भी फ्लैट लग रही है। जब तक वो बैटिंग के लिए आएंगे, कई सारे गेंदबाज काफी बॉलिंग कर चुके होंगे। शुक्रवार का दिन है और इसी वजह से दर्शक भी काफी आएंगे और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जबरदस्त पारी खेलने वाले हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब तक वो बैटिंग करते हैं, फैंस को चौके छक्के देखने को मिलते हैं। नॉटिंगम टेस्ट मैच की पहली पारी में भी उन्होंने 20 गेंदों पर 25 रन बनाकर मोमेंटम भारत की ओर शिफ्ट कर दिया था। लिहाजा भारतीय टीम को अपने इस धाकड़ युवा विकेटकीपर बल्लेबाज से इस मैच में भी काफी उम्मीदें होंगी। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।